सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हर वक्त स्वयं को एहसास दिलाएं कि आप एक महत्वपूर्ण इंसान हैं और ईश्वर ने आपको किसी खास मकसद से इस दुनिया में भेजा है। याद आना और याद करना दोनों अलग अलग बात है। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जियो उसके लिए जो जीने का एहसास हो, चाहो उसे जो आपको जान से भी प्यारा हो। राह में मिलेंगे तो साथी बहुत, लेकिन साथ उनका दो जिसने भीड़ में बस आपको पुकारा हो। आज का पंचांग 10 अप्रैल 2021 दिन शनिवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, सुबह 6:03 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र सुबह 6:46 तक रहेगी। उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:21 से 10:54 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी मीन राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि, 10 अप्रैल 2021 दिन शनिवार। अच्छा, आपके दोस्तों को आपकी मदद व सलाह की जरूरत है, आपको उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। आखिरकार आपका रिश्ता ही कुछ ऐसा है, खूब सोच समझ कर ही किसी को कोई सलाह दें। एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करें। अपने ही उम्र के लोगों द्वारा की गई प्रशंसा आपको खुशी देगी। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अपने आसपास के लोगों का साथ अपने आप ही मिल जाता है। आपको शायद ये नहीं पता कि बहुत से लोग आपके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आप अपनी छवि बनाए रखें। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिलेगा जिससे आपके व्यक्तित्व में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। परिवार के साथ घर की साथ सज्जा से संबंधित वस्तुओं की खरीदारी में समय व्यतीत होगा। कोर्ट के संबंधित मामलों में सफलता मिलने के आसार हैं। आज आप अपने ही मस्ती में मग्न रहेंगे। आसपास घट रही नकारात्मक घटनाओं का असर खुद पर ना होने दें। कारण कुछ लोग आपको असर खुद पर ना होने देने के कारण कुछ लोग आपको गैर जिम्मेदार कह सकते हैं। जीवन से संबंधित चिंता कम होने के कारण आपको अधिक आत्मविश्वास महसूस होगा और बड़ा रिस्क लेने से भी आप नहीं डरेंगी। काम की जगह आपके बर्ताव को सुधारने की आवश्यकता होगी, वरना नौकरी पेशा लोगों के लिए तकलीफ खड़ी हो सकती है। पार्टनर के प्रति अधिक आकर्षण महसूस होगा। हड्डी से संबंधित तकलीफ भी कम होने लगेगी। सावधानियां, अपने विरोधियों की गतिविधियों को भी नजरअंदाज ना रखें। जलन की भावना से कोई आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है। निवेश संबंधित कार्यों को अभी टालने में ही भलाई है। पड़ोसियों के साथ संबंध खराब ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। घर के माहौल को अनुशासित तथा खुशनुमा बनाकर रखने में जीवन साथी तथा परिवार जनों का पूर्ण सहयोग रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। आज के दिन आपके लिए बहुत खुशनुमा भी है। आपका पार्टनर अपनी बेहतरीन आदतों से आपको हैरान में डालेगा। आप अपने रिश्तों को लेकर आज आसमान में उड़ान भरते रहेंगे। आप भी अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करें। अपने परिवार की ओर से आपके पार्टनर के लिए रजामंदी की बात सुनकर आज आप बहुत खुश होंगे। यह हैरान भरी राहत आपके भविष्य को बहुत ज्यादा सहूलियत देगी, खासकर वे जिनके लिए उनके परिवार वालों ने नया पार्टनर खोजा है, उनके चुनाव में आप खुश रहेंगी। आप शादी और उससे संबंधित अन्य रस्मों के लिए अपने परिवार वालों के सहयोग में तैयारी कर सकते हैं। बात करते हैं करियर की।
आज के दिन व्यापार संबंधित अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कार्य क्षेत्र पर काम से संबंधित कार्यों में व्यावसायिक निर्णय सही साबित होंगे। कारोबार में तरक्की देखने को मिलेगी। किसी मित्र या सहयोगी के माध्यम से कोई बड़ा व्यापारिक ऑर्डर प्राप्त हो सकता है। शिक्षा संबंधित क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों को धन लाभ होगा और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। नौकरी पेशा वर्ग में कर्मचारियों को उनके अच्छे काम के चलते प्रमोशन भी मिल सकता है। बात करते हैं सेहत की। आज रोड पर चलते समय आपको अपना ख्याल रखना होगा, भले ही आप वाहन चला रहे हों या नहीं। ध्यान रहे, तेज वाहन चलाने से आप खुद को और दूसरों को भी खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए आज आपको विवेक युक्त, समझदार और सतर्क होकर रहना होगा। आज के दिन आपके लिए शुभ नहीं है, खासकर अगर आप यात्रा पर जाना चाहते हैं तो। आज का उपाय, आज अब शनि भगवान जी को नारियल चढ़ाए शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।